किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, ये मेरी धान की जो अभी खरीफ सीजन 2023 की नर्सरी है जो मैं आज ही तैयार किया हूं। आज ही इसमें मैंने बीज का छिड़काव किया है और बीज में मैंने इसमें पान जमुना 804 वेराइटी जो रिसर्च वेराइटी है और उसके साथ कावेरी जो 500/0511 का है रिसर्च धान, उन दोनों का इस खेत में मैंने नर्सरी डाली हुई है। किसान साथियों, मैं रिसर्च धान और जो क्या है हाइब्रिड धान होता है उसका मैं कभी भी बीज शोधन या बीज का क्या बीज उपचार नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च वेराइटी है। तो मैं उसको क्या पैकेट में लेके आता हूँ, फिर उसको खोलता हूँ, अच्छे से फैला कर बीज को एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़े से बीज की मात्रा को मुट्ठी भर उसको अंकुरित करके टेस्ट कर लेता हूँ कि सही तरीके से अंकुरित आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं डायरेक्ट उसको नर्सरी में डाल देता हूँ। इसके लिए मैंने 24 घंटा जो बीज है मेरा जो पैकेट से खोल के बीज को मैं 24 घंटा डुबाया हुआ था और पानी में, उसके बाद फिर उसको निकाल के जूट के बोरे से 24 घंटा उसको अंकुरित के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर जो मेन खेत में मैं उसको आज डाल दिया हूँ खेत की तैयारी करके। और उसके ये जो पानी है ये उतना तो अभी हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, बहुत छीटा छाटा बारिश हो रहा है। तो जो घर का बोरवेल है उसी से मैंने इसका जो पानी का जो व्यवस्था किया हुआ था नर्सरी डालने के लिए। और मुख्यतः मैं बीज उपचार नहीं करता, बीज उपचार जो मैं रिसर्च धान है या हाइब्रिड धान है उसका बीज उपचार नहीं करता, उसे मैं डायरेक्ट पैकेट से निकाल के डाल देता हूँ। जो मेरा घर का बीज होता है मैं उसी को उपचार करता हूँ। जो खरीदे हुए जो रिसर्च धान होता है उसको बीज उपचार करने से क्या होता है, जो उसमें बहुत से तरीके से उसमें केमिकल्स और बीज उपचार के लिए उसमें ऑलरेडी केमिकल डला हुआ है, फंगिसाइड ये वगैरह, तो क्या है बार बार उसको पानी में डुबाने से और निकालने से वो जो उसमें जो जितना केमिकल हो वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए उसको बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यतः मैं तो करता ही नहीं हूँ बीज उपचार, मैं डायरेक्ट उसको निकाल कर ही जो अपने नर्सरी में डाल दिया हूँ और सीधी बिजाई भी करता हूँ। ये मैंने करीब 5 एकड़ के लिए नर्सरी डाला हुआ है और बाकी का मैं DSR विधि से बुआई करूँगा। मैं जो बाकी जो मेरा खेत है उसका DSR विधि से मैं बुआई करूँगा। हमारा क्या है नर्सरी जो अब डालते हैं तो हमारा खेत जो एक जगह इकट्ठा नहीं है, अलग अलग जगह पे जो हमारा खेत है तो फिर अलग अलग जगह पर उखाड़ कर जो क्या है धान की नर्सरी को ले जाना पड़ता है। क्या है अलग अलग जगह को धान की नर्सरी को उखाड़ के ले जाने से थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं अधिकतर खेत को DSR विधि से, जो मेरा ज़्यादा जो पानी वाला जो खेत है जिसमें पानी का ज़्यादा बहाव होता है, मैं उसी का रोपाई करता हूँ। धान की रोपाई विधि से जो बुआई है उसमें वैसे ही करता हूँ। बाकी अधिकतर खेतों में मैं डायरेक्ट सीधी बुआई कर देता हूँ और जो इस बार मैं डायरेक्ट सीधी बुआई जो लहरा पद्धति से करने वाला हूँ। तो उससे क्या है मेरे को पानी का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा और मैं जो बाकी जो DSR विधि से जो बुआई करूँगा धान का उसमें जो क्या है उसमें जो मैं पहले खरपतवार को उगा रहा हूँ, जैसे पूरे खरपतवार और पुराने जो रबी के धान के अवशेष हैं वो निकल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं उसका जुताई करूँगा और फिर खेत की तैयारी करके उसमें डायरेक्ट सीधी बुआई कर दूँगा। किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको जानकारी लाइक लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो के बेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आगे खेती बाड़ी के संबंधित मैं जानकारी आपको देते रहूँगा। किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।